दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आईसीएमआर एनआईआरटी में एसिडिक टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली है, तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। वीडियो तो पूरा दे देना, वो चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर और भी वैकेंसी निकली है, परंतु अपन एसिडिक टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले जो हमारी जो वैकेंसी है वह दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों पोस्ट नेम दे रखा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, टोटल यहां पर तीन पोस्ट यहां पर रहने वाली है। जनरल में यहां पर एक पोस्ट है, एसी में यहां पर एक पोस्ट है, एसटी में यहां पर एक पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहां पर तीन पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन में रहने वाली है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो गुजरात में कहीं पर भी आपको दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ट्वेल्थ है वह है दोस्तों साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने डीएमएलटी कर की और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, आप अपने एक ट्वेल्थ है साइंस में पास कर रखी है, आपने डीएमएलटी कर रखी है और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है लैब के अंदर, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वह प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर काउंट हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी एज लिमिट है वह दोस्तों 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी सैलरी है वह दोस्तों 20,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है, प्लस दोस्तों आपको एचआरए भी मिलेगा। और इसमें जो ड्यूरेशन है, जो आपकी जॉब है वह दोस्तों 4 मंथ के लिए आपकी जॉब रहने वाली है। और इसमें अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका रिटन एग्जाम हो सकता है या फिर दोस्तों आपका इंटरव्यू हो सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर इंटरव्यू की रहने वाली है। तो दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है या जो रिटन एग्जाम है वह 20 दिसंबर को होगा, और जो एड्रेस है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वह सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह दोस्तों 20 दिसंबर को चले जाना, और थोड़ी देर में मैं आपको जो स्थान है वो बताता हूँ कि आपका इंटरव्यू या जो रिटन टेस्ट है वो कहाँ पर रहने वाला है। और रिपोर्टिंग टाइम आप तो ध्यान में रखना है, 9 से 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी एसिडिक टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर दो पोस्ट आपकी रहने वाली है, एक पोस्ट यहाँ पर जनरल में है, एक पोस्ट यहाँ पर ओबीसी में रहने वाली है। जो आपकी पोस्टिंग है वो गुजरात में दी जाएगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ट्वेल्थ है वह साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों रेडियोलॉजी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी या फिर इमेज जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। कुल मिला के दोस्तों जिन्होंने डीआरटी कर रखी है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर चल जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, ट्वेल्थ साइंस में पास होनी चाहिए, जिन्होंने डीआरटी कर रखी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उनका आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टोटल यहाँ पर दो पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन एज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपकी 20,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। साथ में दोस्तों आपको एचआरए यहाँ पर दिया जाएगा। जो आपका ड्यूरेशन है, जो आपकी जॉब है वो 4 मंथ के लिए रहने वाली है। और इसमें अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस है या तो रिटन एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू रहने वाला है। तो आपका जो इंटरव्यू है वह दोस्तों 21 दिसंबर को रहने वाला है। जो भी आपकी एग्जाम होगी या फिर जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो 21 दिसंबर को रहने वाला है। और इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम है वह दोस्तों सुबह 9 से 10 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों जो इंटरव्यू है, जो रिटर्न टेस्ट है कहाँ पर रहने वाला है, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, उस स्थान के बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, तो वीडियो तो देखते रहो आप। उसके बाद में दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। एक और वैकेंसी दोस्तों अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर जो पोस्ट नेम है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट हेल्थ असिस्टेंट के नाम से आपकी ये पोस्ट नेम दे रखी है। बाकी ये वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। और जो आपकी टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट रहने वाली हैं, जिनमें अपन बात करें दोस्तों 4 पोस्ट यहाँ पर जनरल में है, 2 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी में, 1 पोस्ट यहाँ पर एसी के अंदर, 1 पोस्ट यहाँ पर एसटी में रहने वाला है। और जो आपकी पोस्टिंग है वो गुजरात में कहीं पर भी आप लोग दे सकते हैं। इसमें अपन दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 10वीं है वह आपकी पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने डीएमएलटी कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नीशियन के अंदर या लैब के अंदर।
दोबारा से बोल रहा हूँ, 10वीं आपने पास कर रखी है, DMLT आपने कर रखी है और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस चाहे प्राइवेट का या गवर्नमेंट का, दोनों का यहाँ पर आपका चल जाएगा। तो जो भी साथी है वो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अपन एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एज है वो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी दोस्तों आपके यहाँ पर 18,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है, साथ में आपको HRA दिया जाएगा। और इसमें ड्यूरेशन है जो आपकी जॉब है 4 मंथ के लिए रहने वाली है। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है या तो रिटर्न एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू आपका रहने वाला है। और जो आपका इंटरव्यू या जो रिटर्न एग्जाम है वो है दोस्तों 21 दिसंबर को रहने वाला है। और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 से 10 बजे तक रहने वाला है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, जो मैंने बता रहा हूँ जो आपका इंटरव्यू है या जो रिटर्न एग्जाम है वो कहाँ पर होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है, जो रिटर्न एग्जाम है, वो यहाँ पर होने वाला है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ मेघानी नगर अहमदाबाद गुजरात में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। वापस से बोल रहा हूँ, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ मेघानी नगर अहमदाबाद गुजरात में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जो मैंने इंटरव्यू डेट या रिटर्न एग्जाम की जो डेट बताई है उस दिन आपको यहाँ पर चले जाना है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 से 10 बजे तक रहने वाला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो फॉर्म है वह आपको ऑफलाइन यहाँ पर जमा करवाना है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई डेट यहाँ पर देने रखी है कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन दोस्तों आपको जो फॉर्म है वो जमा करवाना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पे। जो फॉर्म का फॉर्मेट है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट निकला उसको भर देना। साथ में दोस्तों जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपको अपना जो फॉर्म है वो ले साथ में लेके जाना है। साथ में आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जो डिप्लोमा की जो मार्कशीट है, एंड दोस्तों जो आपका आपके पास जो एक्सपीरियंस है उन सभी की आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है, सभी पर अपने साइन कर देने हैं। साथ में दोस्तों आपके जो कलर फोटोग्राफ है, जो कलर फोटोग्राफी है वो लेके जानी है। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको लेके जानी है। साथ में जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। साथ में जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। और एक को आपको करना है दोस्तों, फॉर्म के साथ में जो फॉर्म भर देना, और उसके बाद में दोबारा से बता रहा हूँ, फॉर्म भर देना, 10वीं मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट फोटोकॉपी, डिप्लोमा जो DMLT आपने कर रखी है और DRT आपने कर रखी है उनकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, और जो एक्सपीरियंस है आपके पास में उनकी फोटोकॉपी, प्लस दोस्तों जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी, और जो आपका आधार है उसकी फोटोकॉपी, और आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको लेके जानी है। और इन पे क्या करना है दोस्तों, इस सभी की इनकी फोटोकॉपी करवा लेनी है और उस पर आपको अपने साइन कर देने हैं। साथ में दोस्तों जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको लेके जाने हैं, मतलब ए सेट आपको जो फोटोकॉपी है उसका तैयार कर लेना है, दूसरा सेट आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका तैयार कर लेना है। और ये कहाँ पर लेके जाना है, तो जो जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपको अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर लेके जाना है। जो रिपोर्टिंग टाइम हो ना उस दिन उस टाइम पे आपको ये फॉर्म है वो जमा करवाना है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ मेघानी नगर अहमदाबाद गुजरात में जमा करवाना है। इस यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो जो भी साथी है जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर देना। और ये जो पूरा यहाँ पर दे रखा है पूरा पढ़ लेना दोस्तों आप। और जो जाति प्रमाण पत्र है OBC था वो नया होना चाहिए। और जो आपका डिसेबिलिटी, जो PH वाले स्टूडेंट है उनका भी दोस्तों जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो नया यहाँ पर चाहिए। तो अपने जो भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वहाँ से बनवा लो। बाकी यहाँ पर पूरा दे रखा है तो आप यहाँ से पढ़ लेना। बाकी फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, टेम्प्रोरी बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है। बाकी जब अपन शुरू में देते हैं तो यहाँ पर भी दे रखा है, तो आप यहाँ से देख लेना। ये यहाँ पर इंटरव्यू आपका स्थान यहाँ पर दे रखा है, जो रिटर्न एग्जाम होगा या जो भी इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर आपका होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है। देख लो दोस्तों, ये फॉर्म का फॉर्मेट है रहने वाला है। इस फॉर्म को आपको
भर देना है जो भी यहाँ पर डिटेल आपसे मांगी गई है। और ये फॉर्म का फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में वापस से बोल रहा हूँ, ए सेट आपको फोटोकॉपी तैयार कर लेना है, दूसरा सेट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लेना है, और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन दोस्तों आपको चले जाना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है उस दिन आपको उस टाइम पे आपको ये जो फॉर्म है वो जमा करवाना है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों, और ये जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।